नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक आयरिश। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे माई तिकोना ऐप के बारे में। आप इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी कि आप इसको किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। तो उसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर में जाकर लिखेंगे माई तिकोना ऐप, तो ये ऐसे खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये 10 MB से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाए, इसे यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। लोकेशन के लिए बोलेगा, आप इसको यस कर देंगे। उसके बाद इसमें सबसे पहले यहाँ अपने यूज़र नेम डालेंगे, यानी कि आपका जो यूज़र आईडी है जो आपको तिकोना की तरफ से प्रोवाइड की हुई है। और अपना पासवर्ड डालेंगे यहाँ और इसे सबमिट कर देंगे। आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डालने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, वेलकम टू तिकोना। इसमें यहाँ आप 6 ऑप्शन देख सकते हैं, इनको मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। क्विक बिल पे में आप क्लिक करके अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे कि मेरा ये जो बिल अमाउंट है ये यहाँ दिखा रहा है, मैं इसे यहाँ से ऑनलाइन पे कर सकता हूँ क्लिक करके। दूसरा ऑप्शन है डेटा यूज़ का, यहाँ से आप अपना मंथली साइकिल का डेटा चेक कर सकते हैं कि कितना डेटा आपने यूज़ कर लिया है और कितना आपका बचा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कंप्लेंट एंड सर्विस रिक्वेस्ट का, यहाँ से आप कोई कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके कनेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, कनेक्शन चल नहीं रहा है, स्पीड स्लो है, या फिर बिलिंग की आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई रिक्वेस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं, अपनी कनेक्शन रीलोकेशन कर सकते हैं, यानी कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो उसके लिए रिक्वेस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्लान चेंज का, आपका जो प्लान चल रहा है अगर आप उससे बड़ा या उससे छोटा प्लान लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करके आप अगले प्लान को यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा स्पीड बूस्टर, जैसे कि आपको महीने में जो फ्री बाइट्स मिलते हैं, मान लीजिए अगर आपको एक महीने में 100 GB मिलता है 10 MBPS के साथ, उसके बाद आपकी स्पीड सेकेंडरी पॉलिसी पे आ जाती है, यानी कि 1 MBPS, तो आप यहाँ से स्पीड बूस्टर वाउचर यहाँ से आप ले सकते हैं। ये दिए हुए हैं इसमें 25 MBPS का, 20 GB तक का ये वाउचर है, 100 रुपये का, ये 4 महीने तक वैलिड, तो आप यहाँ से इस तरह से वाउचर ले सकते हैं। अगला रेफ़र एंड अर्न का, आप किसी अपने दोस्त को या अपने किसी जानकार को ये कनेक्शन अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड डाल के सबमिट कर सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, जो ये 3 लाइंस जो हैं तिकोना के बराबर, यहाँ पर क्लिक अगर आप करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर ये डिटेल दिखा रहा है, मेरा नाम दिखा रहा है, मेरा कनेक्शन आईडी दिखा रहा है, यहाँ से होम पर ये है। अगर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं, प्लान नेम, रेंटल, FUP लिमिट, आपकी मतलब लिमिट कितनी है फ्री बाइट्स की महीने की, बिलिंग डेट इसमें आप देख सकते हैं, ड्यू डेट देख सकते हैं, अपना बैलेंस देख सकते हैं कितना GB डेटा आपका बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं आपका अमाउंट कितना है, लास्ट पेमेंट आपने किस डेट में किया है वो देख सकते हैं, पेमेंट कितना किया है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में, देखो खुल गया, यहाँ पर नाम दिखा देगा, ईमेल आईडी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस। आप यहाँ चेंज पर क्लिक करके, ईमेल आईडी के सामने चेंज लिखा हुआ है, यहाँ से क्लिक करके अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के सामने चेंज पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि पिछले पुराने आप इसमें 4 बिल यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नीचे आप रिक्वेस्ट देखेंगे, तो आपने जो रिक्वेस्ट की हुई है उसका स्टेटस यहाँ दिखा देता है, मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है तो ये कोई स्टेटस नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा नीचे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप इनकी ईमेल आईडी पे मैं मेल कर सकते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आपको आती है। उससे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एक्सिट का है, तो ये सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, आप इसे बिल पेमेंट कर सकते हैं, डेटा यूजेस चेक कर सकते हैं, अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने अकाउंट की कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन है तो आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं, पुराने बिल आप इस पर चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं अपनी, और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही इस एप्लीकेशन से यूज़ करने को मिल जाएंगी, और इसके अलावा ये अपडेट होता रहता है, आगे अगर ये अपडेट होगा तो और भी फीचर्स इसमें आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको इस एप्लीकेशन की पूरी जानकारी दे दी है,
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।